वेलकम टू ऑफ यू आज से मैं आप लोग का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जो बीच में ब्रेक कर दिया था क्योंकि बहुत सारे काम हैं आप ही लोग के लिए न्यू डाउन पे लगा हुआ था और अब कंप्लीट भी हो गया लगभग लगभग और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा जो सेमिनार है वो 17 को है 17 जनवरी और दिन मंगलवार है और आप सभी जो भी मेरे विद्यार्थी जो भी मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो भी प्रयागराज के कोई भी स्टूडेंट्स हैं और इस ग्रैंड सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं वो मेरे एकेडमी पे आ सकते हैं और उनका मोस्ट वेलकम है जो भी विद्यार्थी मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं अगर प्रयागराज में अगर वो इस नियर बाई रह रहे हैं तो हमारे आ, 17 जनवरी को हमारे एकेडमी पे वो आ, उनका वेलकम है स्वागत है बिल्कुल तो इसी के साथ आज का हम रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करते हैं जो प्रैक्टिस बैच है इसमें आपका एस एस का एग्जाम चल रहा है और उसी की रिगार्डिंग एस एस का ही पेपर मैं सॉल्व करा कराने जा रहा हूं और इसके बाद तुरंत बैक टू तु बैक आपकी मैथ की भी क्लास चलेगी मैथ्स क्लास चलने वाली है तो अभी मैं पहले रीजनिंग करा दू इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है राइट तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने दिख रहा होगा एक संयुक्त परिवार में नौ सदस्य सी डी एफ जी एच आई जे के जे और के हैं परिवार में तीन विवाही जोड़े हैं डी शिक्षक है तथा ई e और एफ का भाई है जी आई की माँ है जे सी की पत्नी है सी आई के दादा हैं ई e, सी की इकलौती पुत्री है के एफ और एच की पुत्री है शिक्षक की पत्नी कौन है ये ऐसा इसने पूछा है तो देखो बेटा ऐसा है कि क्वेश्चन तो दोनों लैंग्वेज में है और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को आपको देखना चाहिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो राइट देखो संयुक्त परिवार में नौ सदस्य हैं जैसा कि आपको मेंशन है परिवार में तीन विवाही जोड़े हैं कितने जोड़े हैं तीन जोड़े हैं मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं देखो ओके okay. एक संयुक्त परिवार में नौ सदस्य सी डी एफ जी एच आई जे और के है परिवार में तीन विवाहित जोड़े हैं तो आप इस तरह से मैरिड कपल बना सकते हैं यहां पर आपको बता दें कि जो ट्रायंगल है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और जो सर्किल है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है है ना तो और जो बराबर का निशान है मैरिज को बताता है जैसा कि जो बच्चा मेरे से ब्लड रिलेशन पढ़ा होगा वो मेरे सिंबल को जानता होगा ठीक है अब देखो क्या कहता है डी शिक्षक है तथा ई और यप का भाई है ई और यप का भाई है कौन डी और भाई है तो मेल होगा और क्या है शिक्षक है तो इसको आप शिक्षक बना दिए फिर क्या कहता है जी आई की माँ है अब जी जो है वो क्या है माँ है किसकी माँ है आई की माँ है जी आई की माँ हो गई फिर कहता है जे सी की पत्नी है जे किसकी पत्नी है सी की पत्नी है ओके जे सी की पत्नी है चलो महिला है ये सी की पत्नी है तो सी पुरुष हो जाएगा ओके फिर क्या कहता है और सी आई के दादा है सी आई के दादा है तो देखिए सी आई के दादा है है ना तो एक बार मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी देखना चाहूँगा सी अगर आई के दादा हैं तो यहां पे आप देखिए क्या दे रहा है सी आई के दादा हैं सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आई देखिए कभी इंग्लिश में ग्रैंड फादर नाना को भी बोलते हैं दादा को भी बोलते हैं अगर वहाँ पैटर्नल ग्रैंड फादर या मैटर्नल ग्रैंड फादर अगर लिख देता है तो उससे और चीजें क्लियर हो जाती हैं मगर यहां पर वो लिखा नहीं है दादा ही लिखा है तो कोई बात नहीं है हम लोग दादा ही बना लेंगे ठीक है दादा ही बना लेंगे तो अब देखिए क्या कहता है <laughs> कहता है कि सी आई के दादा हैं तो मैं पहले सी को दादा बना लेता हूं किसका आई का ठीक है सी आई के दादा हो गए अब क्या कहता है सी आई के दादा हैं ई सी की इकलौती पुत्री है ई जो है सी की इकलौती पुत्री है यहां पर ई को बना सकते हैं आप इकलौती पुत्री है कोई बात नहीं ई सी की इकलौती पुत्री है पुत्री इकलौती होने का मतलब यह नहीं होता है कि पुत्र नहीं है पुत्री कलौती है पुत्र और भी हो सकते हैं है ना इसी की कलौती पुत्री है के यफ और यच की पुत्री है के जो है यफ और यच की पुत्री है यप और यच की पुत्री है मतलब ये लोग इस पाउस होंगे इसमें एक कोई ना कोई मेल होगा और एक कोई ना कोई फीमेल होगा ठीक अच्छा अब क्या कहता है डी शिक्षक है ई और यफ का भाई है ई और यफ का भाई है ओके तो और यप का भाई है कौन डी तो डी मेल होगा ई का और यप का भाई है तो डी का जेंडर क्लियर है और यह शिक्षक भी है कोई बात नहीं यहां पर ऐसे बना लो पहले आपको क्या करना है कि जब ब्लड की पजल आती है तो पहले जो जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं ना उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि बना के रख लेना है बाद में को रिलेट किया जाएगा ठीक है अब क्या कहता है जी आई की माँ है भाई जी कौन है आई की माँ है अच्छा तो जी आई की माँ है तो इनकी शादी कर दें हम जी से तो जी आई की माँ लगने लगेगी जी आई की माँ लगने लगेगी बिल्कुल अच्छा अब क्या कहता है जे किसकी पत्नी पत्नी है पत्नी है सी की पत्नी है, तो इनकी भी शादी कर दें यहां पर जे सी की पत्नी है तो देखो तीन मैरिड कपल होना चाहिए दो मैरिड कपल तो तुमको यहां पर दिखाई देने लगा और एक जो मैरिड कपल है यच होगा यच होगा इसलिए होगा और डी जो है ई और यप का भाई है तो डेफिनेटली यानी कि यप ये हो जाएगा और डी जो है या फिर डी ये हो सकता है इसको हम डी बना लेते हैं और यहाँ पर यप को लाते हैं और ये यप भी मेल होगा इसलिए होगा क्योंकि ई इकलौती पुत्री है है ना इस यहाँ पर यप और यहाँ पर डी हम बदल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप यप को इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यप की शादी किससे हुई है यश से हुई है और यश से हुई है और यहाँ वाले बंदे की शादी किससे हुई है जी से हुई है तो यहां पर मुझे डी ही लाना पड़ेगा कोई बात नहीं डी को वहां पे ला दिया और डी जो है क्या है ई और यप का भाई लगेगा देखिए ई और यप का भाई लगेगा और ये क्या है शिक्षक है इसको आप यहाँ पर शिक्षक मेंशन कर सकते हैं शिक्षक है इस तरह से परिवार में नौ लोगों से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात अच्छा अभी और भी कुछ लोग होंगे के कौन है के एफ और यज की पुत्री है यफ और यज की पुत्री है तो यहां पर मैं के यफ और यज की अगर पुत्री है तो यहां पर हम क्या करेंगे ओके okay. अभी मोड़ चेंज करिए कर रहा है क्या मिटाने के लिए ओके ओके okay. okay. अब देखो यहां पर क्या बोलता है यहां पर यह बोलता है कि यफ यज की पुत्री कौन है के तो यज की पुत्री कौन है के तो यज क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी क्योंकि यफ मेल है क्यों मेल है कैसे आपने इसका जेंडर डिसाइड किया क्योंकि जो है इनकी इकलौती पुत्री है इसलिए मेल ही होगा राइट तो अब इनकी पुत्री कौन है के है तो यहां पर आप के को जोड़ सकते हैं इस तरह से आपका स्ट्रक्चर पूरा बन गया है परिवार में टोटल कितने लोग होने चाहिए नाइन परसेंट होने चाहिए आप गिन लो एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ सब कुछ बन चुका है जो भी पूछे अब आंसर कर सकते हैं आप शिक्षक की पत्नी कौन है तो शिक्षक की पत्नी कौन है शिक्षक कौन है डी है और इनकी पत्नी कौन है जी है तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा जी शिक्षक की पत्नी कौन है जी है इस क्वेश्चन में आंसर आपका क्या बनेगा जी बनेगा राइट तो आजकल देखिए पहले जो क्वेश्चन होते थे बहुत नॉर्मल पूछता था अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा आ रहा है चाहे वो एसएससी जीडी हो चाहे एसएससी सीजल का हो तो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा बनाया जा रहा है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओके okay. ये आपका दूसरा सवाल है आप देख सकते हैं इसमें क्या कहता है कूट भाषा में यहां पर बोलता है कि मयंक इज ग्रेट का कोड लिखता है रीजीने और इसी प्रकार लिखता है ही इज एन इंडियन का कोड ये लिखता है अब कहता है ग्रेट इंडियन कल्चर का कोड ये लिखता है अब आपसे क्या पूछा मयंक तो दोस्तों देखो इसका जो इस स्मार्ट अप्रोच आपका क्या होना चाहिए कि जब मयंक का कोड पूछ रहा है आपसे तो आप तुरंत ये देखो कि इज कहीं कॉमन है क्या इज कहीं कॉमन है क्या डेफिनेटली इज यहां पे कॉमन है तो रेजीने में डेफिनेटली इसमें से कुछ कॉमन होना चाहिए और क्या कॉमन है इसमें इज ही कॉमन है तो यहां पर देखो रे कामन है इज का कोड हो गया तुरंत देखो कि ग्रेट कहीं का कॉमन है क्या तो ग्रेट इंडियन यहां पर देखो ग्रेट कॉमन है तो डेफिनेटली इनमें से कुछ कॉमन होना चाहिए वहां से तो देखिए क्या कॉमन है गे कामन है जी ई कॉमन है तो कॉमन है तो इट मीन्स क्लियर कि ग्रेट का कोड क्या हो गया जी ई हो गया ईज का कोड क्या हो गया आरई हो गया तो जो भी बेटा बचेगा वो किसके लिए होगा मैंग के लिए होगा हो है ना चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं इसको कॉमन कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं तो आंसर इसमें क्या आपका बन जाएगा मैंग के लिए क्या कोड आ जाएगा नहीं है ना तो ये आपका आंसर हो जाएगा अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं ये है अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है देखो ये है। अब यहां पर क्या कहता है इसको कहते हैं फिक्स कोडिंग डिकोडिंग जिसको आप यह भी कह सकते हैं करेस्पोंडिंग कोडिंग डिकोडिंग के नाम से भी बोल सकते हैं है ना चार कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें अल्फा बीटा गामा ये सब प्रयोग किया है तो देखो क्या कह रहा है यहां पर कहता है टू फोर थ्री टू फोर थ्री नाइन वन का कोड यह है फिर वन फाइव सिक्स सेवन एट का कोड यह है फिर इसके बाद बोलता है इसका कोड क्या लिखा जाएगा तो देखो अब ये देखो कि यहां पर कोई डिजिट इसमें कॉमन है क्या वन फाइव सिक्स सेवन एट वन कॉमन है और यहां पर one कहा? यहाँ है यहाँ पे में राइट यूज किया गया है, है ना वहां पे लास्ट में कॉपी राइट यूज किया गया है तो अब यहां पर क्या कोड करता है यहां पर जो है स्टार को यूज करता है स्टार को यूज करता है ओके तो उसी कोड भाषा में पैंसठ सिक्स फाइव सिक्स फाइव अच्छा तो यहां पर मुझे यह देखना पड़ेगा कि कोड दो है क्या लिखा टू फोर थ्री नाइन वन का क्या लिखता है नॉट इक्वल क्रॉस स्टार ये लिखता है ओके okay. है ना स्टार इसका कोड क्या भाई स्टार है वन का कोड क्या है स्टार है अब यहां पर जब वन पहले पोजीशन पे आया तो उसके रिगार्डिंग उसका कोड भी देखो स्टार बदल गया इसका मतलब कि वन का कोड स्टार है लास्ट में तो स्टार लास्ट में है, तो में है। वन जब पहले पोजीशन तो पहले पोजीशन पोजीशन पे पे आया आया तो स्टार भी इट मीनस क्लियर कि स्टार वन के लिए कोडेड है यानी पोजीशन वाइज का रिस्पॉन्ड कर रहा है तो बस उसी में से वैल्यू निकाल करके रख देना है यहां पर आपको बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है आपको सीधा आपको क्या करना है दिमाग ही नहीं आपको लगाना है सीधा आपको क्या करना है ठीक है कि जो भी डिजिट दे रहा है जैसे सिक्स सिक्स का कोड क्या होगा देखो यहां पर इसका कोड ये हो जाएगा ये आ जाएगा और फाइव का कोड लिखना है अगर आपको तो सेकेंड प्लेस वाला कोड यानी बीटा ले लीजिए ये आ गया अब इसके बाद क्या लिखना है आपको फोर का कोड लिखना है यहां से सेकेंड नंबर ले लीजिए ये आ गया और थ्री का कोड लिखना है तो थर्ड नंबर ले लीजिए यहां से क्रॉस आ जाएगा फिर इसके बाद टू का कोड लिखना है आपको तो पहले नंबर पे क्या है नॉट इक्वल है ले, ले लीजिए और ऐसा मिला लीजिए जहां पर भी होगा ये आंसर सही होगा तो बताइए ये आंसर किसमें है ऑप्शन सी करेक्ट है राइट इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है ये क्वेश्चन देखो एक कूट भाषा में बल का कोड लिखता है क्या फोर टू वन टू फोर वन वन उसी कूट भाषा में इंच का क्या लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसकी प्लेस वैल्यू लिख देना है बी यू एल के ठीक है इसका देखो क्या लिख रहा है इसका दो है इक्कीस है बारह है और ग्यारह है ठीक यहां पर क्या लिखता है बयालीस बारह इकतालीस एक लिखता है अब देखो यहां पर क्या करता है कि ठीक है अलेवेन जस का तस लिखा यहाँ पे ट्वेंटी वन है और टू बयालीस ओके तो यहाँ पे क्या करता है दो दुना चार और दो दुना चार ट्वेंटी वन एजिटिड लिख दिया ट्वेंटी वन एजिटिड लिख दिया फिर क्या करता है फोर वन वन लिखता है ना फोर वन वन ओके अब यहाँ पर आप देख सकते हो एल का बारह है इक्कीस दुना बयालीस इक्कीस का दोगुना अगर करते हैं दो दुना चार इक्कीस दुना बयालीस यहाँ पे बयालीस लिख सकते हैं और यहाँ पर बारह बयालीस एक बारह दुना चौबीस लिख सकता है के का मान ग्यारह लिखा है एल का मान बारह दुना चौबीस दो दुना चार यू का मान इक्कीस ओके यहां पर आप देख सकते हो कि बेटा इसने क्या करा कि इसमें टू का मल्टीप्लाई करके रख दिया दो दुना चार हो गया इसको एज इट इज लिख लिया और इसका बारह दुना चौबीस कर लिया और इसका एज इट इज लिख लिया तो इस तरह से मेरा कोड बन गया बयालीस बारह इकतालीस एक बयालीस बारह इकतालीस एक तो जो इसने किया वही मुझे करना है वही आप भी कर दो आंसर आ जाएगा तो पहले आपको क्या करना है नौ दुना अठारह एज इट इज फिर तीन दुना छह एज इट इज तो वन एट वन फोर सिक्स एट 181468 एट वन फोर सिक्स एट आंसर विल बी सी है ना तो आंसर आपका सी हो जाएगा इसी तरह से अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाओ ये क्या कहते हैं अब यहां पे कहता है टेबल का कोड ये है तो उसी कोड भाषा में इंसर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा तो आइए देखते हैं क्या लिखता है टेबल टी ए बी एल ई टेबलेट टैबलेट को लिखता है टैबलेट को लिखता है डब्ल्यू आई एफ डब्ल्यू वाई एफ जे जे आर जे जे आर ओके अब देखो यहां पे क्या कह रहा है यहां पे कह रहा है बीस तीन तेईस प्लस थ्री है और यहां पे क्या करता है इक्कीस 27 में से दो एक मान आप क्या? देखो यहां पर क्या कह रहा है यहां पर आप कितना जोड़ोगे चौबीस जोड़ोगे चौबीस जोड़ो या दो घटाओ बाद बराबर होता है इसका मान सत्ताइस भी कर सकते हैं आप एक का मान है ना तो चौबीस जोड़ो या दो घटाओ बाद बराबर होता है फिर इसके बाद क्या कहता है कि कितना जोड़ रहा है दो धन चार प्लस फोर किया यहां पे प्लस फोर कर दिया फिर यहां पे क्या कर रहा है भाई माइनस टू कर रहा है माइनस टू कर रहा है फिर पांच जोड़ दिया फिर क्या कर रहा है माइनस टू कर रहा है तो देखो बहुत बढ़िया पैटर्न लगा दिया इसने क्या करा पहले तीन जोड़ा दो घटाया फिर चार जोड़ा दो घटाया फिर पांच जोड़ा दो घटाया तो जो इसने करा वही आपको करना है तो आंसर आ जाएगा आप कर लो यहां पे पहली बार क्या करना है तीन जोड़ना है तीन चार पांच अल्टरनेट बढ़ेगा और माइनस टू माइनस टू माइनस टू कॉन्स्टेंट चलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे तीन जोड़ना है नौ तीन बारह का मान यल हो जाएगा फिर इसके बाद माइनस दो करोगे तो यल आ जाएगा और फिर इसमें चार जोड़ोगे उन्नीस चार तेईस कमान डब्ल्यू हो जाएगा फिर इसमें आपको दो घटाना है सी आ जाएगा फिर इसमें पांच जोड़ना अठारह पांच तेईस कमान डब्ल्यू हो जाएगा और इसमें से दो घटाना आर हो जाएगा तो मेरे भाई ये आपका आंसर बनेगा डबल एल डब्ल्यू सी डब्ल्यू आर डबल एल डब्लू सी डब्ल्यू आर यह आपका आंसर बनेगा आंसर विल बी ए राइट अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देख सकते हो ये है आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें यह डिक्शनरी पर बेस्ड क्वेश्चन होता है और जो भी बच्चा अगर जीडी का एग्जाम इस समय दे रहा होगा डेफिनेटली यह क्वेश्चन एक क्वेश्चन उसमें जरूर आता होगा राइट तो इधर देखो अब इसमें क्या कहता है अब यहां पर जितने लेटर कामन है पहले तो आप उन्हें हटा देंगे तो पी तो देखिए सब में कामन है पी को हटाइए अब देखिए अब इसमें ए वाले पहले लिए जाएंगे ई वाले बाद में तो ए वाले अगर पहले लिए जाएंगे तो एक ए आर ए ए आर ए ए और ए के बाद क्या है यहाँ डी है और यहाँ इसकी वैल्यू बारह होती है चार पहले होता है तो मतलब सबसे पहले एक आएगा फिर इसके बाद दो आएगा अब इन तीनों लोग का तुलना करेंगे ई ई सब में कॉमन है ई को हटाइए फिर इसके बाद ए ए भी कॉमन है ए को भी हटाइए फिर इसके बाद अगर आप करेंगे तो पाँच नंबर आ जाएगा यहाँ पे तीन और इसके बाद फिर अट्ठारह नंबर आएगा तब किस आएगा तो तीन के बाद चार आ जाएगा तो दोस्तों ये आपका आंसर बनेगा वन टू फाइव थ्री फोर वन टू फाइव थ्री फोर वन टू फाइव थ्री फोर आंसर विल बी सी राइट आंसर सी है ना क्लियर है ना ओके okay. तो सारे बच्चे जो है आई थिंक कि आप लोग कर भी ले रहे होंगे बेहतर कर रहे होंगे है ना तो चलो इसमें शायद मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है आपको देख लेते हैं ओके okay. ओके okay. अरे मास्टर तू भी है अरे मास्टर कहाँ रह रहा है तुम्हारा पता नहीं चल रहा हैं हिमांशु ओके 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 इधर थोड़ा सा मेरा तारतम टूट गया था बीच में आज से हम ज्वाइन हो गए हैं और लगातार आप लोग की प्रैक्टिस अब चलती रहेगी और सभी सभी बच्चों को जो है आ, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 17 जनवरी को मेरा इनोगेशन है ट्यूसडे को तो सारे बच्चों को उस दिन आना मस्ट है जो भी मेरे से पढ़ते हैं उनको आना चाहिए ठीक है देखो <coughs> सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ठीक है मैं सबका नाम भले नहीं ले पा रहा हूं चलिए मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स आ, कमेंट के लिए आपको जो है डिस्प्ले लगा देता हूं कल से मैं प्रॉपरली कमेंट आप लोग का देखता रहूंगा ठीक है ओके तो आगे बढ़ें आप है ना ओके देखो सारे बच्चों को बोल दो जो भी मेरे से पढ़ रहे थे है ना कि अब मैं आ गया हूं जो भी चीजें अब बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था वो आपसे कंटिन्यू हो जाएगा जो बच्चे जीडी का एग्जाम दे, देने वाले हैं जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है डेफिनेटली उनके लिए काफी एक क्लास बहुत यूजफुल होगी ओके अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं जल्दी से है क्वेश्चन नंबर सेवन देखो ये एनालॉजी है मेरे भाई एनालॉजी करने के लिए मैं हमेशा आपको बताया करता हूं कि कैसे करना है देखो क्यू है जी है एन है बी है राइट जेड पी डब्ल्यू के जेड पी डब्ल्यू के अब देखो यहां पर क्या है सत्रह है और छब्बीस है सत्रह नौ छब्बीस प्लस नाइन और यहां पर क्या है सात नौ सात सोलह प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन यानी नाइन नाइन हैड हो रहा है तो कोई भी बच्चा कर लेगा तो आठ और नौ कितना हो जाएगा सेवनटीन कितना नौ आठ सत्रह सत्रह का मान क्यू अब देखिए क्यू इसमें है क्या है क्या है क्या नहीं आंसर डी पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है है ना पूरा जो बच्चा करता है वो स्मार्ट अप्रोच नहीं रखता है ना देखो जब पह, पता है आपको कि इसमें जो रिलेशन है और नाइन नाइन से बढ़ रहा है तो पहले ही बार हमने आठ और नौ जोड़ा सत्रह हुआ तो किसी भी ऑप्शन में क्यों से स्टार्टिंग नहीं है तो बाकी हटाओ यार क्या टाइम लॉस करना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट ये देखो अब इसमें आपको बताना है कि त्रिभुज का पिरामिड से वही संबंध है जो आयत का तो भाई पिरामिड का जो निर्माण होता है ना पिरामिड का जो निर्माण होता है अगर आप ऊपर इसको बढ़ाएंगे तो पिरामिड का जो निर्माण होता है वो किस पर होता है उसका बेस क्या होता है एक ट्रेंगल होता है ट्रेंगल पे होगा और यहां पर अगर आयत के बेस पे अगर आप कुछ बनाना चाहेंगे तो जो थ्री फिगर बनेगी वो घनाब होगा क्यूबाइड होगा तो इसमें आंसर आपका क्या बनेगा क्यूबाइड इसमें आंसर आपका क्या बनेगा क्यूबाइड बनेगा राइट ठीक है अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन हाँ ये देखिए क्या है अब यहां पर सबसे पहले क्या है छत्तीस छत्तीस का स्क्वायर रूट कितना होगा सिक्स होगा और सिक्स में थ्री ऐड करेंगे नाइन आ जाएगा तो बताइए किसका स्क्वायर रूट यहां पर क्या किया जाए यहां पे क्या किया जाए अब देखिए सीधी सी बात है अगर इसमें हम लोग है ना चार से अगर भाग दे दें डिवाइडेड बाई फोर कर दें तो आ जाएगा या फिर उधर हम फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो थर्टी सिक्स आ जाएगा तो सोलह चौके चौसठ ये तो बहुत इजी है ये तो कोई भी बच्चा कर लेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है राइट सिक्सटी फोर अगला क्वेश्चन देखो सिक्सटी फोर अब चार अक्षर समूह दिए गए हैं इसमें से आपको डिफरेंस छाटना है तो देखो क्या हो रहा है इक्कीस चार पच्चीस पच्चीस में से दो घटा दोगे तेईस आ गया यानी प्लस फोर माइनस टू चार चार आठ माइनस प्लस फोर माइनस टू इसमें दिख रहा है बारह चार सोलह प्लस फोर माइनस टू इसमें दिख रहा है मेरे भाई प्लस फोर माइनस टू जो सब में दिख रहा है तो आंसर आपका क्या है डी होगा राइट आंसर अगला क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन नंबर अलेवेन ये आपकी नंबर सीरीज है नंबर सीरीज और नंबर सीरीज तो मैंने क्लास में बहुत सारे रूल बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं आई थिंक ये सारा बच्चा जो भी मेरे से ऑफलाइन क्लास किया होगा और डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेगा तुरंत देखते देखते बना लेगा देखो तेरह दुना छब्बीस और एक सत्ताईस सत्ताईस दुना चौवन अ प्लस दो छप्पन फिर इसमें क्या करें दोगुना करके तीन जोड़ दो एक सौ पंद्रह आ जाएगा दो गुना करके चार जोड़ दो भाई दो गुना करके चार जोड़ दो और इसमें आगे क्या करोगे दो गुना करके पांच जोड़ दो तो दो चौके आठ पांच जोड़ दो आठ पांच तेरह तीन रिमाइंडर एक छ एक सात चार सौ तिहत्तर कहीं है क्या आंसर डी करेक्ट है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा और दिख भी रहा है, है ना डेफिनेटली आपने बना रखा होगा है ना रिप्लाई कर रहे हो ना मेरे भाई रिप्लाई हो रहा है कि नहीं <coughs> जो बच्चे गांव में चले गए होंगे वो भी पढ़ रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी है तो गांव में चले गए हैं है ना अच्छा बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है बोर्ड में क्या सेटिंग मेंटेन चाहते हैं आप बोर्ड से कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आप लोग को अच्छा ऑप्शन का कलर हल्का है ठीक है तो डेफिनेटली कल आपको अब ऑप्शन का कलर हम डार्क कर देंगे उसको ब्लैक से कर देंगे ताकि प्रॉपरली आपको दिखे वो बोर्ड की सेटिंग आपको जो है आ, कल से मैं एकदम अच्छा कर दूंगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल ठीक है बेटा चलो अगला देखो कर देना इसको देखते हैं अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये देखो ये बताओ कि किसी भी नंबर सीरीज के प्रॉब्लम को करने के लिए मैंने आपको थम रूल क्या बताया था इसका थम रूल क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ समझ में आए चाहे ना आए आप डिफरेंसेज ले, ले लेना इसका डिफरेंसेज कितना होता है फाइव होता है इसका कितना होता है बताओ इसका कितना होता है अट्ठाईस और अड़तीस टेन हो जाएगा इसका बताओ कितना होगा पंद्रह में से आठ गया सात हो गया सत्रह हो जाएगा और इसका अंतर कितना होगा ग्यारह में से पांच गया 6 हो गया सात में से पांच गया दो छब्बीस हो गया इसका अंतर ले लो पांच आ गया इसका अंतर ले लो सात आ गया इसका अंतर ले लो सत्रह नौ छब्बीस नौ आ गया तो ये बताइए कि मैंने आपको क्या कहा था कि जब कुछ भी समझ में ना आए आपका दिमाग ब्लैंक हो जाए तो बेटा उसका डिफरेंस ले लेना और डिफरेंस लेने के बावजूद भी समझ में ना आए तो वन टाइम अगेन डिफरेंस ले लेना तो देखो डिफरेंस लेते ही आपको समझ में आने लगा होगा कि क्वेश्चन क्या है राइट तो पाँच दो सात दो नौ दो ए ग्यारह अब इसको जोड़ा तो ये आ गया छब्बीस और ग्यारह कितना हो जाएगा बोलो सैंतीस सैंतीस और इक्यासी जोड़ दो सात एक आठ आठ तीन ग्यारह एक सौ अट्ठारह बनना चाहिए आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा तो आई थिंक कि सारे बच्चों ने कर लिया होगा नो प्रॉब्लम मुझे पूरा ट्रस्ट है आप डेफिनेटली कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को है ना गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अभी मैं यहां पर आपका कल से आप लोग अब जल्दी ही मैं यहां पे एलसीडी लगवा देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से मैं रिप्लाई कर पाऊं हर बच्चे का कमेंट देख पाऊं ठीक है ना ओके देखो अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए क्या होगा बोलो फटाफट सभी लोग आंसर निकालें इसका क्या होगा जल्दी से करें बताओ भाई क्या होगा अगर मैं इसका मैं करूं कि कर रहा है मास्टर को बोलो आंसर करे कहां है मास्टर आदर्श प्रदीप स्नेहा प्रिंस अभिषेक होम स्टडी प्लस अनुभव मिश्रा चलो सब लोग बताओ इसका आंसर करो जल्दी से मास्टर कहाँ है बोलो उसको आंसर करे आजकल तो दिख ही नहीं रहा भाई वो कहाँ रह रहा आजकल चलो चलो बताओ मास्टर आजकल रह कहां रहे पहले ये बताओ तुम कहां पे हो अगला क्वेश्चन देखो ये देखो इसको करते हैं देखो मैंने बोला ना कि एसएससी का अगर कोई भी पेपर है तो एसएससी वालों को ना स्क्वायर क्यूब से बड़ी मोहब्बत है तो पहले तुम्हारा जो विजन है वो पूरी तरह से जाना चाहिए स्क्वायर क्यूब पे इधर देखो तीन का वर्ग कितना होता है तीन का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ ऐसे अंतर मार दे भाई तो चार हो जाएगा और इसका अंतर स्क्वायर करेगा ना तो चार का स्क्वायर कितना होता है सोलह और सोलह और सत्ताईस का डिफरेंस मार दो ना अलेवन आ जाएगा और इसका स्क्वायर कितना होता है थर्टी सिक्स होता है है ना और थर्टी अब बोलो ना भाई यहां पे कौन सा डिजिट रखें कि 36 माइनस करें 67 रखो ना तो 31 आ जाएगा यानी आंसर आपका क्या बनना चाहिए 67 राइट right? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गया ये देखो और इन सब सवालों में भी तुमको स्मार्ट अप्रोच रखने की रिक्वायरमेंट है हर सवाल को करना नहीं भाई है ना ऑप्शन से जो बच्चा नहीं करेगा वो जल्दी नहीं कर पाएगा ऑप्शन का हेल्प लेना है देखो कैसे सबसे पहले हम लोग इसको देखें लास्ट वाले को तीन तीन दो पांच पांच तीन आठ तीन दो पांच अब पांच तीन आठ ठीक है आठ चार बारह लास्ट में मुझे यल चाहिए तो एक ऑप्शन हट गया अब देखो सात एक आठ आठ एक नौ और नव एक दस इसके पहले मुझे जे चाहिए तो जे चाहिए तो ये भी हट गया जे चाहिए अब देखो चौबीस माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री ओ चाहिए ओ जे एल ओ जे एल यानी आंसर क्या होगा ए करेक्ट आंसर है है ना तो कुछ ऑप्शन को आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप अपना स्मार्ट अप्रोच रखते हैं तो कुछ ऑप्शन तुरंत हटाए जा सकते हैं ये देखो ये लेटर सीरीज आ गई और लेटर सीरीज बनाने का मैंने अप्रोच आपको क्या बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल गिन लो कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस है चार और पाँच का बनेगा और नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ लेटर चेक कर लो कितना है यच हो गया यम हो गया टी हो गया ओ हो गया सी हो गया यानी पाँच से यानी कि चार से ज़्यादा हो गया पाँच पाँच में बाढ़ दो एक दो तीन चार पाँच 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 ओके अब देखो यच यच ओ एम टी सी होना चाहिए एच ओ एम टी सी 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 या बन रहा है तो ओ बरा सी भरा एम बरा टी भरा एच बरा एम भरा अरे मिला लो किसमें मैच कर रहा है देखो है o -C -M -T -H -E -M. आंसर दी. आंसर क्या हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर देखो सिक्सटीन यहां पे डाइस ओपन डाइस का क्वेश्चन है ओ माय गॉड ये तो ब्लर हो गया यार ये तो ब्लर हो गया कैसे करें इसको वहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे पीपीटी बनाए हैं ब्लर हो गया इसमें ओके ओपन डाइस है ओके 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 चलो देखते हैं मैं भर देता हूँ अंदाजा से ही कुछ ये क्वेश्चन ब्लर हो गया थोड़ा बेटा ओपन डाइस का क्वेश्चन मैं अपने से बना दूँ क्या चलो अपने से ही बना देता हूं मैं इसको ठीक है यहां पर चलो तुम क्या भर लो यहां पे छ भर लो ठीक है ओके छे भर लो और यहां पर क्या कर लो छ यहां पर दो भर लो और यहां पर क्या कर लो कि एक भर लो यहां पांच भर लो ठीक है अच्छा और यहां पर क्या कर लो यहां पर क्या कर लो तीन ब यहाँ तीन कर लो यहां एक कर लो यहां चार कर लो अब आओ देखते हैं तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मेन इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य यह है कि ओपन डाइस के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है सबसे पहले आपको अपोजिट को मार्क कर लेना है जैसे तीन और पाँच अपोजिट है तो तीन और पाँच कभी साथ नहीं दिखना चाहिए जैसे इसमें तीन और पाँच साथ दिख रहा है तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए और वहां छः और दो अपोजिट हैं तो छः और दो सात नहीं दिखना चाहिए यहाँ दिख रहा तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए और तीन और पाँच सात नहीं दिखना चाहिए तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो याद रखिए कि एक दो पाँच एक दो पाँच ये तीनों पड़ोसी हैं इसे आप ले सकते हैं तो आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा सी तो जो डिजिट मैंने यहाँ पर भरा है वो डिजिट आप मार्क कर सकते हैं सबसे ऊपर मैंने चार भरा है यहाँ पे दो भरा है यहाँ एक भरा यहाँ छः भरा यहाँ पाँच भरा यहाँ तीन भरा तो देखो बेटा इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले अपोजिट्स को मार्क कर लेने हैं अपोजिट जब मार्क हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि तीन का विपरीत कौन है पांच है चार का विपरीत एक है और दो का विपरीत छ है तो चार और एक कभी सात नहीं दिखना चाहिए चार और एक कभी सात नहीं दिखना चाहिए और पांच और तीन कभी सात नहीं दिखना चाहिए तो देखो इसमें पांच तीन सात में था तो काट दिया यहां पर देखो तीन पांच सात में था तो काट दिया यहां पर देखो दो और साथ में नहीं दिखना चाहिए दो छः यहां सात में था इसलिए काट दिया तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचेगा आंसर सी ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर क्या कहता है सरयू ने अलग अलग मूल्यों पर दो रेफ्रिजरेटर खरीदे उनके लिए उसने कुल कितना दिया अस्सी हज़ार रुपए का भुगतान किया इनमें से एक को उसके क्रय मूल्य के तीन बटा चार पर दूसरे को इसके क्रय मूल्य के चार बटा तीन पर बेचने पर उसे इस पूरे संव्यवहार में कुल आठ हज़ार रुपए का लाभ होता है तो उसे रेफ्रिजरेटर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिससे अधिक मूल्य पर खरीदा था यह अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है है ना तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कोई बात नहीं मान लो कि उसने टोटल कितने में ख़रीदा दो सरयू ने अलग अलग मूल्यों पर दो रेफ्रिजरेटर खरीदा है ठीक अलग अलग मूल्य पे खरीदा मान लो एक की कीमत यक्स है और एक की कीमत वाई है और कितने में खरीदा टोटल दोनों कीमत मिला के कि कितनी हो गई अस्सी हज़ार दोनों कीमत अगर मिलाते हैं तो कितनी हो जाती है अस्सी हज़ार और फिर कहता है इनमें से एक को उसके क्रय मूल्य के तीन बटा चार पर यानी कि तीन यक बटे चार पर ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई और फिर इसके बाद क्या कह रहा है दूसरे को इसके क्रय मूल्य के चार बटे तीन पर यानी कि फोर बाई बाई थ्री पर बेचा ठीक है अभी इसकी सेलिंग प्राइस हो गई तो कितने का मुनाफा कमाया लाभ प्रॉफिट कितना हुआ एट थाउजेंड यानी कि अस्सी हजार में कोई चीज खरीद रहे हो और आठ हजार फायदा कमा रहे हो तो यानी अट्ठासी हजार में बेचोगे है ना अट्ठासी हजार हो गया ये कितना हो गया अट्ठासी हजार अब क्या करेंगे यहां पर ले लो एल सी एम बारह नाइन एक्स हो जाएगा और ये सोलह वाई हो जाएगा और ये बारह से आप उधर गुड़ा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जीरो 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 बारह वाटे छवानबे छ नौ बारह वाटे छवानबे तो नौ जोड़ दो छवानबे चार सौ एक सौ ये आपका आ गया अब इसके बाद दो इक्वेशन आपके बन गए है ना तो एक हो गया आपका कितना है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है अट्ठा अस्सी हजार ठीक है अस्सी हजार है और ये कितना आ गया मल्टीप्लीकेशन तो सही हुआ है ना भाई देख लेना जोरा बारहवाटी छानवे छः नौ बारहवाटी छानवे और नौ जोड़ देंगे छानबे में एक सौ पाँच ठीक अच्छा तो ये कितना हो गया एक लाख छप्पन हजार हो गया तो ये कितना आ गया तुम्हारा नाइन एक्स प्लस सोलह वाई बराबर वन जीरो फाइव सिक्स जीरो 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 ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको कोई भी क्या तुमको निकालना है किसका वैल्यू निकालना है जिसे अधिक मूल्य पर बेचा तो सबसे पहले क्या करो मान लो इसमें नौ का गुड़ा कर दो नाइन एक्स हो गया और ये नाइन वाई हो गया नौ आठ बहत्तर हो गया यहाँ बहत्तर आ गया ठीक है अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें समकण दो से समकण एक को घटा दो माइनस कर दो ठीक है तो आपका कितना आ जाएगा सोलह सोलह में से नौ गया कितना आ जाएगा सेवन वाई सेवन वाई हो गया अब सेवन वाई हो गया इधर कितना आ जाएगा बराबर जीरो वन जीरो फाइव सिक्स जीरो इसमें से घटा दो कितना सेवन टू फोर जीरो सेवन टू फोर जीरो ले लो अब इसमें क्या करना है सात से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा सात से भाग दे दो सात चौक अट्ठाईस अट्ठाईस और सातवाटे छप्पन तो कितना आ गया अड़तालीस हजार ये किसकी वैल्यू आ गई अड़तालीस हजार वाई की वैल्यू आ गई है ना y की वैल्यू कितनी आ गई अड़तालीस हजार आ गई ओके y की वैल्यू तुम्हारी अड़तालीस हजार आ गई तो y की वैल्यू अगर अड़तालीस हजार है तो आंसर अड़तालीस हजार ही होगा क्योंकि x की वैल्यू जो है इससे कम ही होगा क्योंकि अस्सी हजार में ही खरीदा था तो आंसर अड़तालीस हजार आपका करेक्ट हो जाएगा राइट थोड़ा सा लेंदी हो गया कैलकुलेशन है बाकी कुछ है नहीं अगला क्वेश्चन ये देखो यहां पर क्या कहता है ये आपका क्वेश्चन नंबर एटीन है और ये थोड़ा सा पजल आ गया एक सीधी पंक्ति में लोग किस तरफ की मुख करके बैठे हैं दक्षिण दिशा में मुख करके बैठे हैं सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि सबका मुंह जो है दक्षिण दिशा में होता है अगर दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा है तो लेफ्ट और राइट जो है अपोजिट हो जाता है जैसे कोई दच्च... अगर आप नॉर्थ फेसिंग हो ना तो दाया बायाँ आप ही की तरह होगा जिसको आप अरेंज कर रहे हो लेकिन अगर वो साउथ फेसिंग है तो जिधर आपका दाइना उधर उसका बाया जिधर आपका बाया उधर उसका दाइना हो जाएगा तो क्या कहता है सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे किंतु उनका उपरोक्त क्रम में होना अनिवार्य नहीं है जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं जे और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं दो व्यक्ति हैं बना लो फिर क्या कहता है यक्ष जे और यश के बीच में है यक्ष जो है जे और यश के बीच में है जे और यश के बीच में कौन है एक्स है ठीक है इसको हम दो तरह से ले सकते हैं ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं ठीक है अब क्या कहता है और यक्ष के दाहिनी और दूसरे स्थान पे है। सारी बातें किसके बारे में हुई है एक्स के विषय में हुई है यक्ष जो है जे और यश के बीच में है बीच में है और यक्ष के दाहिनी और दूसरे स्थान पर है यक्ष के दाहिनी और दूसरे स्थान पर है इसका मतलब है कि यही लिया जाएगा है ना सारी बातें किसके विषय में हो रही हैं एक्स के विषय में हो रही है एक्स जो है जे और यश के बीच में है और के दाहिने दूसरे स्थान पे है तो के दाहिने दूसरे स्थान पे तभी आएगा जब ये अरेंजमेंट आप ऐसे करेंगे जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं ठीक है अभी हम रख लेंगे उसको आगे क्या बोलता है यल क्यू के बाई और दूसरे स्थान पर है अच्छा अब एक चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कहता था एक्स जे और यश के बीच में ठीक है जे और यश के बीच में हो गया और यक्ष के यक्ष के दाहिनी और दूसरे स्थान पर यक्ष का दाहिना उधर होगा जिधर आपका बाया है तो याद रखिए कि यच को आपको यहां रखना पड़ेगा ठीक यच को आपको यहां रखना पड़ेगा दाहिनी और दूसरे स्थान पे है दाहिनी और दूसरे स्थान पर जिधर आपका बाया उधर यच का दाहिना हो जाएगा यानी सिस्टम वैसे बनेगा ठीक है तो जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं क्यू को हम इधर भी ले सकते हैं कुल मिला के कितने हैं है? दो दो चार दो छः एक साथ व्यक्ति हैं कोई बात नहीं आगे क्या कहता है यल क्यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है यल क्यू के बाई और दूसरे स्थान पर है क्यू का बाया उधर होगा जिधर आपका दाइना है तो बाई और दूसरे स्थान पर कौन है यल है एक दो तीन चार पांच छे लोग हो गए यल क्यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है यल क्यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है और आई के बाई और आई के बाई और ठीक बगल में बैठा है आई के लेफ्ट ठीक बगल में बैठा है आई के बाई और ठीक बगल में बैठा है तो यानी आई के बाई और ठीक बगल में बैठा है आई के बाया तो आई का बाया किधर होगा जिधर आपका दाइना है और ठीक बगल में बैठा है तो आई को यहां पे रख दीजिए आई को यहां रख दीजिए क्यू और यह सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं क्यों और यच को आपको क्या बोला Q और यच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं Q और यच सी, सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं ओके okay? Q और यच सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं तो इसका मतलब कि हमको जे को उस साइड में ले जाना पड़ेगा क्यों को इधर लाइए Q और यच तो क्यों को यहाँ रख लीजिए यच को यहाँ रख लीजिए कुल मिला के दो दो चार दो छः सात लोग हैं तो दो लोग तो यही हो गए एक दो तीन चार पाँच सात लोग हो गए अब यहां पर बोल दिया कि क्यू और यश सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं ओके अब बाकी लोगों को आप अरेंज कर सकते हैं क्यू के तुरंत बाद आई को भर लीजिए इसके बाद यल को भर लीजिए अब जो बचे हैं उनको भर लीजिए यश है यक्स है जे है यश यक्ष जे बेटा ये आपका बनेगा अब आपसे क्या पूछ रहा है जे के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है जे के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है तो बाया उसका किधर होगा जिधर तुम्हारा दाहिना है जिधर तुम्हारा दाहिना है है ना जे के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है जे के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है अच्छा अगर इस चीज को हम लोग लेते हैं जे एच क्यू एस एक्स एल और आई एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। Q और यह सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं Q और यह सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं बिल्कुल चलो बैठा दिया इनको फिर क्या बोला था अच्छा यल Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है यल Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है हु एवं द फॉलोविंग सिट टू दैप्ट ऑफ J, J के बाई जे के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है जे के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है ओके तो अगर हम लोग ये लेते हैं अगर ये अरेंजमेंट क्यों और यह सीधी पंथी के सिरों पर बैठा है कहीं ना कहीं कुछ में स्प्रिंट हुआ है लग रहा है यल क्यों के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है यल क्यों के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है बिल्कुल जिधर इसका मेरा के किधर बोला बाई और जिधर मेरा दाहिना उधर इसका बाया होगा ठीक है दूसरे स्थान पर बैठा है और आई के बाई और ठीक बगल में बैठा है आई के बाई और ठीक बगल में बैठा है यह भी सही बात है फिर क्या बोलता है यहाँ तक तो सही है यक्स जे और यश के बीच में बैठा है एक्स जे और यश के बीच में बैठा है यह भी बात सही है ये भी बात सही है बीच में बैठा है और यक्ष के दाइनी और दूसरे स्थान पर बैठा है तो जिधर मेरा बाया उधर यक्ष का दाइना यह भी बात सही है दूसरे स्थान पर बैठा है जे और क्यू के बीच में जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं ओके जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया जे और क्यू के बीच में अगर दो व्यक्ति बैठे हैं तो फिर क्यू को अगर हम सिरे पर ले जाते हैं और यहाँ पर जब ये बोल रहा कि क्यू और यह सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं ओके तो दाइना बायां में फिर इंग्लिश वर्जन इसका देखना पड़ेगा बेटा थोड़ा इंग्लिश वर्जन क्या है फेसिंग साउथ वो तो सही है बिल्कुल एक बार फिर से अरेंज कर लेते हैं कोई बात नहीं इन्होंने क्या बोला कि क्यों और यज सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं क्यों और यज सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं क्यों को यहां बैठाइए यज को यहां बैठाइए सीधी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं अब क्या कहता है यल क्यू के बाई और यल क्यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है अगर ये दक्षिण दिशा की जगह अगर ये नॉर्थ फेसिंग होते तो Q के बाई और दूसरे स्थान पर अगर हम करते हैं जे Q, यल Q के बाई और दूसरे स्थान पे है तो बाएं के लिए आ जाओ इधर एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे यल को ले लो यल Q के बाई और दूसरे स्थान पे है ठीक है ओके फिर क्या कहता है और आई के बाई ठीक बगल में है आई के ठीक बगल में फिर क्या कहता है आई के ठीक बगल में क्यू और यल क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पे है आई के ठीक बगल में बैठा है क्यू और यश सीधी पंक्ति में सिरों पर बैठे हैं ये तो हो गया अब क्या कहता है एक्स जे और एस के बीच में बैठा है एक्स जो है जे और एस के बीच में बैठा है एक्स जे और किसके जे और एस के बीच में बैठा है यश के बीच में बैठा है ठीक है फिर क्या कहता है जे और क्यू के बीच में जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति होने चाहिए तो कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग लग रही है कुछ न कुछ ये इस क्वेश्चन को टाइप करने में कहीं टाइप ने टाइप में मिस्टेक आ गया है ओके बाकी जो अरेंजमेंट किया गया था वो सही किया गया था जो अरेंजमेंट किया गया था वो बिल्कुल सही किया गया था कहीं ना कहीं इसमें प्रिंटिंग है क्वेश्चन के पूछने में तो इसको मैं एक बार अगेन ट्राई कर लेता हूँ देख लो यहाँ पर क्या कहता है कुल मिला के कितने लोग हैं नौ लोग हैं सॉरी सात दो दो चार दो दो चार दो सात लोग हैं ठीक है उनका उपरोक्त क्रम में होना अनिवार्य नहीं है बिल्कुल यहाँ तक हो गया जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं ठीक है क्यू और जे के बीच में हम दो व्यक्ति को रखेंगे चलो अच्छा और एक चीज और बोला था कि क्यू और यच जो है सीधी ये लोग जो है क्यू और यच को आप दूर रख लीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात ऐसे रख लीजिए ठीक है अब क्या कहता है कि जे और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं एक्स जे और यश के बीच में बैठा है एक्स जे और किसके एस के बीच में बैठा है एक्स जो है जे और यश के बीच में बैठा है चलो इसको हम बाद में बैठा लेते हैं जे और यश के बीच में बैठा है यच के और यच के दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठा है यक्ष जो है किसके यक्ष जो है एच के दाहिनी और दूसरे स्थान पर बैठा है तो जिधर मेरा बाया उधर यक्ष का दाहिना तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है यक्ष बैठा लिया जे और यश के बीच में बैठा है और यज के दाहिनी और दूसरे स्थान पे बैठा है बैठा लिया अब क्या कहता है और यक्ष जो है किसके जे और यश के बीच में होना चाहिए वो हम बाद में कर लेंगे चलो यल क्यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है यल जिधर मेरा दाहिना उधर इसका भाया तो यल यहाँ आ, आ जाएगा क्योंकि बाई और दूसरे स्थान पर बैठा और आई के बा... और आई के बाई और ठीक बगल में बैठा है यहाँ पर आई को आपको रखना पड़ेगा अब दो लोग केवल बटे हैं दो लोग केवल बचे हुए हैं कौन बचे हैं यक्ष जे और यश जे और यश की पोजीशन मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी ठीक है जे जे और यश के बीच में अब हम मुझे ही रखना है तो जे और यश को रखना है ठीक है तो जे को और इसने कुछ बोला था क्या जे और क्यू के बीच में दो ही व्यक्ति होना चाहिए तो जे को यहां रख लो और यश को यहां रख लो बन गया अब जो भी सवाल आपसे पूछता है आप बता सकते हैं देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था शुरू में ये प्रॉपर क्वेश्चन बन चुका है ये आप स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं और जो भी पूछे बता सकते हैं ठीक है क्या पूछा इसने निम्नलिखित में से कौन जे के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है तो याद रखो कि जिधर मेरा दाहिना है उधर जे का बायां होगा है ना अगर ये कोई व्यक्ति है तो जिधर मेरा दाहिना उधर इसका बायां आंसर यह चाहेगा इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा बी आएगा ठीक है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में कहीं हमें लगता है कि इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें यस को उधर प्लेस कर दिया था जिसके कारण थोड़ा सा टाइम लग गया है कोई बात नहीं ठीक है अगर अगले क्वेश्चन में आते हैं तो एसएससी में भी क्वेश्चन जो है अब पजल आ रही है नॉर्मल क्वेश्चन बेटा नहीं आ रहा है इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से अगर एक बार भी स्लिप हुआ इंफॉर्मेशन पढ़ने में तो कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ठीक है आइए फटाफट इनको बैठाते हैं यह क्वेश्चन है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन तो बहुत फटाफट बन जाएंगे एक क्वेश्चन में थोड़ी सी जानकारी इधर उधर हो गई थी कोई बात नहीं सात सहेलियां प्रवी विनीता रूपा सौम्या भावना उर्मिला आरोही वृत्ताकार स्थित केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं कोई बात नहीं आरोही सौम्या के बाह और दूसरे स्थान पर सबसे पहले आपको सौम्या को बैठाना पड़ेगा सौम्या को बैठा दिया आरोही सौम्या के बाह और दूसरे स्थान पर है इसका बाया की तरफ देखता है तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज होता है दाहिने के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है तो बोलता क्या है कहता है कि आरोही सौम्या के बाई और दूसरे स्थान पे है एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे आरोही को आप बैठा सकते हैं ठीक है कुल मिला के कितने लोग हैं सात लोग हैं तो सेवन प्लेस आप रख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात रख दिया अब क्या कहता है आरोही सौम्या के बाह और दूसरे स्थान पे है तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है भावना और उर्मिला की पड़ोसी है फिर आगे क्या बोलता है सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है आप यहां पर भावना को नहीं डाल सकते हैं भावना को यहां पे रखिए क्योंकि सौम्या की पड़ोसी भावना नहीं है तो वहां पे भावना नहीं जाएगी ठीक है अब वहां पे क्या कहता है आरोही सौम्या के भाई और दूसरे स्थान पे तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है तो यहां पर आप उर्मिला को डाल सकते हैं यहां पे उर्मिला को रख लीजिए अब क्या कहता है <amounts of Harrietarks> सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है प्रणवी बिनीता और रूपा की पड़ोसी है प्रणवी बिनीता और रूपा की पड़ोसी है प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है।, है तो ठीक है तो प्रणवी को तो मैं यहां पे रखूंगा बिनीता और रूपा की पड़ोसी है तो ये प्रणवी हो गई ठीक है अब देखो क्या कहता है सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है आप रूपा को यहां नहीं ला सकते हैं क्योंकि सौम्या की पड़ोसी हो जाएगी तो रूपा को यहां ले लीजिए और यहां पर किसको रखेंगे जो बचा उसको रख लीजिए कौन सौम्या रूपा भावना प्रणवी विनीता विनीता यहां पे आ जाएगी जो भी पूछे बता दो आंसर करेक्ट है ये अरेंज हो गया अब जो भी पूछे बता दो दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है तो देखो आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी है गलत सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में बैठी है गलत रूपा भावना और प्रणवी के बीच में बैठी है रूपा भावना और प्रणवी के, के बीच में बैठी है बिल्कुल करेक्ट है यानी कि आंसर विल बी सी ये भी पजल थी ये भी पजल थी है ना लेकिन कोई बात नहीं है तो देखो फटाफट बन गया कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें अब यहां पर आ जाओ जल्दी से अब यहां पे क्या कहता है ट्वेंटी है कबूतर भालू पक्षी कबूतर भालू पक्षी तो कबूतर किसके अंतर्गत आएगा तुम्हारा जो पीजन है पक्षी बर्ड में आ जाएगा और भालू अलग हो जाएगा तो आंसर इसका डी हो जाएगा करेक्ट है ना अगला क्वेश्चन देखो ट्वेंटी वन देखो यह सिलॉक्स का क्वेश्चन है फटाफट कर देते हैं ये देखो कुछ लाकर चाबियां हैं ये तुम्हारा लॉकर हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया की हो गया चाबी हो गया फिर कुछ चाबियां दरवाजे हैं ये तुम्हारा डोर हो गया दरवाजा हो गया ठीक है अब यहां पर देखो इनका रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो क्या कहता है कुछ लाकर दरवाजे हैं भाई लाकर डोर होगा ये नेसेसरी नहीं है गलत है फिर क्या कहता है सभी चाबियां दरवाजे हैं सभी चाबियां दरवाजे हैं ये भी गलत है दोनों गलत हैं क्योंकि ये दोनों आई आई टाइप हैं और आई और आई को कभी मिलाया नहीं जा सकता यानी कि पार्शियल स्टेटमेंट से कभी भी यूनिवर्सल कॉन्क्लूजन नहीं निकाला जा सकता है बोथ बोथ दोनों दोनों गलत है। बिल दोनों गलत हैं हैं बी रॉन्ग फर्स्ट नॉर ठीक है कुछ लॉकर चाबियां हैं कुछ चाबियां हैं और कुछ चाबियां दरवाजे हैं तो कहता है कुछ लाकर दरवाजे हैं लॉकर के डोर होने की पॉसिबिलिटी है कंफर्म नहीं है इसलिए गलत है फिर दूसरा बोलता है सभी चाबियां दरवाजे हैं सभी चाबियां दरवाजे हैं भाई पार्शियल से यूनिवर्सल कैसे निकाल सकते हो गलत है अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन देखो ओके ये मिरर इमेज बनाना है मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा तुमको इसमें क्या होता है हॉर्जेंटली चेंज हो जाता है प्रत्येक लेटर इन्वर्ट हो जाता है जैसे ये एल हो गया यू हो गया आर ऐसे हो जाएगा और ये सिक्स ऐसे हो जाएगा और ये क्यू तुम्हारा ऐसे हो जाएगा और सी तुम्हारा ऐसे हो जाएगा मिला लो जिससे मैच कर जाएगा आंसर सही है तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया और ये भी तुम्हारा गलत हो गया यल की पोजीशन देख लो यल यू ये भी गलत हो गया तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखो ट्वेंटी थ्री ये ये सीरीज की पोजीशन आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले सीरीज आप एक कोई भी एरो ले लो एरो क्या करता है एक प्लेस चला अच्छा एक प्लेस चला यहां पर पहले भाग की तुलना अगर दूसरे भाग से करोगे तो एरो एक प्लेस चला फिर इसके बाद आप ऐसे बना लीजिए इसको खाना खाना बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आप इसको खाना खाना ऐसे बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है एक प्लेस चला फिर इसके बाद देखिए क्या करता है अब यहाँ से एरो देखो दो प्लेस चला दो प्लेस चला फिर देखो क्या करता है एक दो तीन प्लेस चला अब ये चार प्लेस चलेगा एक दो तीन चार प्लेस चलेगा यहाँ पे आना चाहिए तो यहाँ पर किस में है दो ऑप्शन में है तो दो ऑप्शन तो डिलीट हो जाएगा तुरंत इन दोनों में से कोई हो सकता है अब देखो ट्रेंगल को आप देख सकते हो ट्रेंगल कहाँ जा रहा है ट्रेंगल देखो कैसे चल रहा है ट्रेंगल इसमें नीचे आता है यहाँ पे फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है ऊपर जाएगा ट्रेंगल ऊपर होना चाहिए तो ट्रेंगल देखो यहाँ पर ऊपर है बाकी उसमें तो है नहीं तो आंसर इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा बी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सीरीज का सवाल था बहुत ईजी है अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन इसमें आपको बताने हैं कि कितने ट्रायंगल हैं तो बेटा मैंने तुमको ट्रायंगल निकालना पहले भी सिखा रखा है ये देखो जब किसी भी स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स मिले होते हैं तो उसमें आठ त्रिभुज हो जाते हैं ठीक है और जब इसको तुम यहाँ तक काटोगे तो एक ये और एक ये बन जाएगा प्लस टू हो जाएगा है ना और जब इसको तुम यहाँ तक लेके आओगे तो देखो एक दो और एक ये हो जाएगा तीन हो जाएगा तीन हो जाएगा तीन है ना और एक बड़ा वाला ये हो जाएगा यानी कि तुम कुल मिला के कितने ट्रायंगल हैं चौदह हैं है ना लास्ट क्वेश्चन आज का आज का लास्ट क्वेश्चन अब आप करेंगे ये है पेपर कटिंग फोल्डिंग थोड़ा सा एक क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन पढ़ने में थोड़ा इधर उधर हुआ था जिसके वजह से थोड़ा सा पांच मिनट तीन मिनट आपको लेट हो गया अभी देखो इधर है ना पहले क्या बोलता है कि पहले इसको आपको इधर मोड़ देना है फिर इसको क्या बोलता है नीचे मोड़ देना है फिर इसको क्या बोलता है इसको मोड़ देना है बस आपको खोलने का काम करना है सबसे पहले खोलोगे तो इसका जो है डायगोनली यहां पर तुम्हारा इमेज बनेगा जब इतना खुल गया अभी क्या करोगे ऊपर खोलोगे तो सेम चीज यहां पर बनेगी ऐसे और सेम जब इधर खोलोगे तो मिरर इमेज इधर भी बनेगा इस तरह से और ये आपका आंसर बन जाएगा तो बताओ ऐसा कौन सा है ऐसा कौन सा है भाई ऐसा डी ऑप्शन दिख रहा है सीधा डी तो आंसर विल बी डी इस तरह से आज आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मैंने जीडी की प्रैक्टिस कराया है और इस तरह से आपको जो है काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है और इसके बाद बैक टू बैक आपकी मैथ की क्लास लगी हुई है जस्ट मेरे साथ राजेश सर अब आपको मैथ्स की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं ठीक है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग आई थिंक ही रेडी होंगे आप लोग कहीं मत जाइए सब लोग जो है बने रहेंगे और मैथ्स की क्लास करने के बाद ही आपको उठना है आप लोग अपने मोबाइल का डेटा वेटा बढ़ा लीजिए वाईफाई लगवा लीजिए लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए या रूम में वाईफाई लगवाइए या डेटा बढ़ाइए लेकिन अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको सेवन टू एट लेक्चर रेगुलर मिलेंगे तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए अभी आप ही लोग कहते थे कि सर आप जो है इस तरह से आ, आ, मतलब कुछ करिए कुछ करिए तो मैं पूरी तरह से आपको लिए कुछ करने के लिए तैयार हूँ प्रिपेयर हूँ तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और अपना आप डेटा प्रॉपर रखिए ताकि जो है पूरी क्लास हमारे यहाँ जो है आप लोग कर सकें ओके वेलकम राजेश सर अब आ रहे हैं अब आप लोग को मैथ्स किक कराएंगे ठीक है थैंक यू गुड इवनिंग नमस्कार आप सभी का स्वागत है संदेश विथ रवि सिंह के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप आप सभी बच्चों का स्वागत है और जैसा कि अभी आपने देखा कि रवि सर ने रीजनिंग की एक 25 क्वेश्चन की कंप्लीट प्रैक्टिस कराई है तो बैक टू बैट आप मैथ की क्लासेस चलेंगी तो जितनी भी क्लासेस हैं आपको सारी की सारी क्लासेस मिलेंगी और ये समझ लीजिए कि अब डेली हम लोग बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से और एक पूरी स्ट्रेटजी पूरी प्लानिंग के साथ अब शाम को छह बजे से लेके रात के दस बजे तक ये आपको चार घंटे नाइट की क्लासेस मिलेंगी ऐसे ही आपको दो तीन घंटे दिन में क्लासेस मिलेंगी जैसा कि सर ने कहा है कि डेली आपको सात से आठ लेक्चर पर डे आपको मिलेगा और एक बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से बहुत फायदा होगा अभी एस एस का एग्जाम ऑलरेडी चल रहा है तो एस एस सी के भी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे उसके बाद सी एच एस एल दो हजार बाईस का एग्जाम आपका मार्च में है तो उसके बाद हम लोग तुरंत एस एस सी के बाद हम लोग पचास क्वेश्चन पचास दिन का पचास मैराथन लेके आने वाले हैं कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का इस सेशन से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है मुझे उम्मीद है तो चलिए मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप सभी को आप सभी को मेरा धन्यवाद और एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दिए ही होंगे तो चलिए अच्छा जो मैंने सवाल लिए हैं वो सारे के सारे जीडी के सवाल नहीं हैं कुछ जीडी के भी सवाल हैं कुछ दिल्ली पुलिस के हैं कुछ एमटीएस के हैं तो जो भी सवाल आपके पेपर में आने लायक है मैंने वो सारे सवाल लिए हैं मैं आपको एग्जाम का एक बेस्ड अप्रोच सिखाऊंगा कि एग्जाम में सवाल को कैसे करते हैं देखिए स्टडी करना अलग है क्लासरूम का स्ट्रेटजी अलग है और एग्जाम का एग्जीक्यूशन पार्ट अलग है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं हम सीखेंगे आपके लिए बिल्कुल हम बेसिक सा सवाल लिए हैं जो कि एग्जाम के आए हुए सवाल हैं जैसे बड़ा छोटा सा सवाल है पांच लीटर का आठ परसेंट कितना होगा अब पांच लीटर का आठ परसेंट पूछा गया एम में तो बहुत आसान है ये तो एक बार थोड़ा मुझे हेल्प करिए ये बोर्ड अभी ये फर्स्ट टाइम इस बोर्ड को मैं यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा इससे यूज हो जाऊंगा एक दो दिन में ठीक है ना चलिए कोई दिक्कत नहीं है बाकी एक बार लगा दीजिए दोबारा कोई बात नहीं तब तक हम बच्चों से बातचीत करते रह रहे हैं और अभी सारी चीजें एल ई लग जाएगी तो कमेंट भी आपका हम पढ़ते रहेंगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी चलिए ठीक है से जाएगा के लिए। ये ये और नेक्स्ट पे ठीक 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 ओके थैंक यू चलिए भाई पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है बहुत अच्छा सा सवाल है दिया गया पांच लीटर का आठ परसेंट कितना होगा तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक लीटर में एक हजार एम होता है तो पांच लीटर का मतलब पांच हजार एम बहुत आसान है एस एस में इसी लेवल का सवाल पूछा जा रहा है अभी हमने एनालिसिस किया है कि एस एस में क्या लेवल है तो पांच लीटर का मतलब पांच हजार एम और इसी का पूछा गया आठ परसेंट इसी का आठ परसेंट निकालना है तो ये परसेंट का मतलब दो जीरो कैंसिल हो गया चार सौ एम एल ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा देखिए किसी भी सवाल के लिए पांच सेकंड से, से ज्यादा का टाइम नहीं है मैं ये बीस सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा बीस मिनट में पच्चीस करा दूंगा जो एग्जाम का अप्रोच होगा चलिए किसी बच्चे को कोई डाउट हो गया तो भी बताइएगा हम आपके कमेंट्स को रीड कर रहे हैं देखिए यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है जो एस एस में इस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं चलिए मेरे बच्चों दिया गया कि 1.2 किलोमीटर का चौंतीस परसेंट अब जैसे मैंने चौंतीस देखा इसका मतलब चौंतीस का मतलब ये हो गया अब ये सेंटीमीटर में दिया है तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो 1.2 किलोमीटर को अगर एक हजार से हम गुड़ा करें तो ये किलोमीटर से मीटर और मीटर को सौ में गुड़ा करें तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई अब इसका निकालना चौंतीस परसेंट इसका थर्टी फोर परसेंट तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां से गुड़ा आप करोगे ये वाला पॉइंट इससे खत्म हो जाएगा भारतीय छत्तीस तीन सौ साठ और अड़तालीस चार सौ आठ और यहां क्या बचेगा दो जीरो यानी कि चालीस हजार आठ सौ सेंटीमीटर तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यही सारा सवाल आपके एस एस में पूछा जा रहा है तो जो भी एस एस से रिलेवेंट सवाल हैं वो हम सारे के सारे आपको करा रहे हैं चलिए मेरे बच्चों किसी को कोई डाउट तो नहीं है अरे बोलो है भाई चलिए इस सवाल को करिए सभी बच्चे कैसे हैं ठीक हैं चलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं रवि सिंह इलाहाबाद में नंबर एक टीचर है बिल्कुल इलाहाबाद में नहीं इंडिया में नंबर एक टीचर इलाहाबाद में नहीं है चलिए हाँ ठीक है ये करिए नौ बटा चालीस को प्रतिशत में बदलने पे क्या प्राप्त होगा अब नौ बटा चालीस को प्रतिशत में बदलना है तो आप सभी बच्चे जानते कि अगर ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको प्रतिशत में बदलना तो गुणा करना पड़ेगा टू पॉइंट फाइव अट्ठारह और साढ़े चार साढ़े बाईस परसेंट तो ऑप्शन इसका नीचे है साढ़े बाईस परसेंट इसका करेक्ट आंसर होगा साढ़े बाईस परसेंट तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा चलिए देखिए सारे के सारे सवाल आपके जीडी लायक हैं जो अभी हम आपकी जीडी की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो जो जीडी में सवाल पूछे जाने वाले वो सवाल हम लेके आए ठीक है भाई सर सेमिनार में कुछ खिला पिला रहे हैं हाँ सत्रह तारीख को एक महासेमिनार रखा गया है जिसमें आपके संदेश रवि सिंह में एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया है सत्रह तारीख को तो आप सभी का स्वागत है जितने बच्चे भी देख पा रहे हैं ठीक है तो बहुत सारे बच्चे आएंगे आपका भी स्वागत है आपका भी वेलकम आप आएंगे हमें अच्छा लगेगा तो सत्रह तारीख को एक हम लोग और बहुत सारे लोग आएंगे जिससे आपको बहुत सारी चीजें मोटिवेशन मिलेगी आपको सीखने को मिलेगा आपका फ्यूचर कैसे जाएगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है कैसे आगे की चीजें प्लानिंग करनी है वो सारी चीजें सिखाएंगे ठीक है सर मंडे को सीट चाहिए ठीक है ठीक है बिल्कुल भाई मिल जाएगा चलिए आइए सवाल करिए इसको प्रतिशत में बदलना है यार बताइए कितना आसान सवाल है अगर मेरे बच्चों कोई वैल्यू नहीं लिखी गई है तो इसके नीचे वन है और प्रतिशत में बदलने के लिए सौ से गुणा कर दो तो चौबीस में आंसर आ जाएगा दो प्रतिशत इसी को लिख सकते हो टू फोर्टी परसेंट तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा बताइए कितने बच्चों ने आंसर दिया बच्चे आंसर सही कर रहे हैं देखते रहेगा कितने बच्चे आंसर सही कर रहे हैं ठीक है चलिए आइए भाई नेक्स्ट ये बोला गया है कि इसमें क्या बोला गया कि 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत ये है सवाल क्या पूछा गया है वॉट परसेंट ऑफ 2.4 मीटर इज इतना जिसके साथ ऑफ रहता वो बेस वैल्यू होती आप सभी लोग जानते हैं तो दो दशमलव चार मीटर का कितने प्रतिशत इतना है यानी दो दशमलव चार ये बेस वैल्यू होगी और ये है तीन दशमलव दो तो रेशियो बना लें आठ से तीन बार में आठ से चार बार में यानी हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि तीन मीटर का कितने प्रतिशत चार मीटर है यानी तीन मीटर का कितने प्रतिशत चार है यानी फोर इज वॉट परसेंट ऑफ थ्री सवाल को समझिए फोर इज वॉट परसेंट ऑफ थ्री तो इसका मतलब इसको कैलकुलेट करें तो फोर बाई थ्री इन टू हंड्रेड होगा और इसको सॉल्व करें तो वन थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट ये हो जाएगा दो दशमलव चार मीटर का कितने प्रतिशत ये बात आपको समझ में आया कि नहीं सभी बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात क्लियर हो गया हाँ। लेकिन यार इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है ऑप्शन गलत टाइप हुआ कोई बात नहीं ये तेरा नहीं होगा ये एक तीन मिसिंग है एक सौ तैतीस से एक बटा तीन उम्मीद है कि बात समझ गए हैं चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया गया है यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी होगी बहुत अच्छा सवाल है बताइए कितने बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज द स्पेल्ड विद एफ इन द प्लेस ऑफ पी एच वॉट बिट बी द परसेंटेज रेड्यूशन इन द नंबर ऑफ लेटर यानी जहाँ पी एच लिखा हुआ है वहाँ एफ लिखना है तो एक बात बताइए अगर यहाँ पी एच लिखा हुआ क्या लिख दें एफ यहाँ भी पी एच लिखा हुआ क्या लिख दें एफ तो पूछा गया कितने प्रतिशत की कमी हुई रेड्यूस हुआ कितने परसेंट तो प्रतिशत कमी क्या होता है आप कहोगे सर प्रतिशत कमी बहुत आसान होता है कितने की कमी हुई और नीचे लिखते हैं इनिशियल वैल्यू आई इनिशियल वैल्यू इंटू हंड्रेड इनिशियल वैल्यू का मतलब प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू तो पहले कितना लेटर था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन पहले टेन था और अब कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो कितने की कमी हुई दो की कमी हुई दो की इनिशियल वैल्यू क्या था इसका टेन इंटू करेंगे हंड्रेड से तो हम बोल सकते हैं कि इसके लेटर में ट्वेंटी परसेंट का रिड्यूस हो गया है ट्वेंटी परसेंट की कमी आई है उम्मीद है कि समझ गए हैं सभी बच्चे क्लियर हो गए क्वेश्चन नंबर पांच चलिए एक मिनट दोबारा से बता देते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर पांच ये पूछा गया है जो बच्चा पूछ रहा है दोबारा से देखिए 2.4 मीटर का कितने परसेंट ये है आप ये मत समझिए इस ऑप्शन को देख के इस ऑप्शन को देख के ये मत समझिए कि इससे रिलेशन पूछा गया नहीं ऑप्शन देख के सवाल नहीं करना है देखिए सवाल की थीम को समझिए दो मीटर का ये बोला गया है कितने प्रतिशत ये है कितने प्रतिशत दो सेंटीमीटर है तो ये वेस्ट वैल्यू होगी जो बच्चा पूछा समझिए ये वैल्यू होगी तो एक सौ तैतीस आएगा लेकिन इसमें एक तीन मिशिंग है कोई दिक्कत नहीं है आइए इस सवाल को करते हैं ये सवाल आपके एमटीएस से देख के नहीं करना है ना बेस्ट तरीका समझना हम आपको बेस्ट तरीका सिखाएंगे चलिए बताइए भाई दिया गया किसी बक्से में सात सौ अस्सी केले हैं जिसमें से एक सौ तीस केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत बताइए तो आपको दिख रहा है 130 है 780 है रेशियो बनाए तो क्या होगा डायरेक्ट रेशियो बना लीजिए तेरह से कितनी बार में बार में यानी छ में से एक केले सड़े हैं तो अगर छे में से एक केले सड़े हैं तो कितने सही है पांच यानी पांच सही है छह में और सौ से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दो से तीन बार में दो से पचास बार में यानी ढाई सौ बटे तीन और ढाई सौ बटे तीन को सॉल्व करोगे आप तो तिरासी सही एक बटा तीन या फिर तिरासी दशमलव तीन तीन तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वाला हालांकि आपको ये डायरेक्ट देख के तुरंत बता देना चाहिए कि पांच बटा छह का मतलब एट्टी थ्री इज टू थ्री थ्री परसेंट होगा बोलिए अरे क्लियर हुआ सभी बच्चों को बोलिए क्लियर है ना आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है सारे बच्चे कोई दिक्कत किसी को नहीं है कलर ब्लैक ठीक है कलर ब्लैक ले ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं कोई भी बच्चों को दिक्कत होगी तुरंत तो बताइए यदि किसी संख्या के पचासी परसेंट को सवाल समझिए यदि किसी संख्या के 85 परसेंट को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या मिल जाती है कोई भी संख्या अपने आपका हंड्रेड परसेंट होता है कोई भी संख्या कितना होता है अपने आपका हंड्रेड परसेंट होता है एक बात बताइए आप कि पचासी परसेंट को 75 में जोड़ा जाता है तो संख्या मिल जाती है सौ परसेंट मिल जाती है इसका मतलब पचासी में पचहत्तर जोड़ने से संख्या मिल रही यानी सौ परसेंट यानी दिस वैल्यू इज इक्वल ऑफ फिफ्टीन परसेंट तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये पंद्रह परसेंट की वैल्यू पचहत्तर है और पूछा गया संख्या संख्या का मतलब सौ परसेंट संख्या का मतलब सौ परसेंट तो ये पंद्रह का पांच गुना तो 100 का पांच गुना कितना होगा पांच सौ सौ का पांच गुना कितना होगा फाइव हंड्रेड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा किसी को कोई डाउट तो नहीं है बताइएगा सारे बच्चे ऑप्शन बता रहे हैं सही बता रहे बच्चे ठीक है चलिए चलो भाई नेक्स्ट आइए नेक्स्ट ये बताइए क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द सम ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ ए नंबर एंड थर्टी परसेंट ऑफ द सेम नंबर यहां दिया गया सेम नंबर इज सेवेंटी देन द नंबर इज यदि किसी संख्या के चालीस परसेंट और उसी संख्या के तीस परसेंट का योग सत्तर है यानी अगर एक संख्या का चालीस परसेंट है और ये संख्या का तीस परसेंट है तो दोनों का योग सत्तर होगा और 70 परसेंट की वैल्यू 70 है तो संख्या क्या होगी संख्या होती है 100 परसेंट तो 70 परसेंट की वैल्यू 70 है तो 100 की वैल्यू 100 हो जाएगी 70 परसेंट की वैल्यू 70 है तो 100 परसेंट की वैल्यू 100 हो जाएगी क्योंकि कोई भी नंबर क्या होता है 100 परसेंट आइए क्वेश्चन नंबर टेन करते हैं इन अ क्लास इफ सिक्सटी ऑफ द स्टूडेंट आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज थर्टी सिक्स देन द नंबर ऑफ बॉयज किसी भी क्लास में जो विद्यार्थी होते हैं जो टोटल स्टूडेंट होते हैं वो हो हो सकते हैं। 100 हो सकते हैं हैं बोलिए अरे बोलो या ना तो अगर हम बोले सिक्सटी परसेंट बॉयज हैं अगर बॉयज है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि फोर्टी फाइव परसेंट गर्ल्स होंगी हम बोल सकते हैं कि अगर साठ परसेंट लड़के हैं तो चालीस परसेंट लड़की होंगी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी इनकम का नाइन्टी परसेंट एक्सपेंडिचर करते हो इसका मतलब कि टेन परसेंट बचाते हो अगर मैं बोलूं कि आप आपकी क्लास में नाइन्टी परसेंट बॉयज है इसका मतलब कि टेन परसेंट गर्ल्स हैं अरे बोलो तो साठ परसेंट लड़के हैं और पैंतालीस परसेंट लड़कियां हैं पैतालीस परसेंट लड़कियां हैं तो देखो डायरेक्ट करने का तरीका देखिए और लड़कियों की संख्या छत्तीस है चलो मैं बिल्कुल आराम से कर देता हूं कोई बात नहीं कुछ बच्चों का भी दिक्कत होगी तो लड़कों की संख्या बतानी है यानी 60 परसेंट की 60 परसेंट की वैल्यू बतानी है मेरे बच्चों ध्यान से समझ समझना लड़के 60 परसेंट है तो लड़कियां हैं चालीस परसेंट और लड़कियां 36 हैं यानी इसकी वैल्यू यह तो इसकी वैल्यू बतानी इसको रेशियो बना लो पंद्रह से तीन बार में पंद्रह से चार बार में तीन का बारह गुना तो चार का बारह गुना अड़तालीस तीन का बारह गुना तो चार का बारह गुना अड़तालीस होगा ना ये अंठावन नहीं होगा फोर्टी एट होगा अड़तालीस होगा क्या उम्मीद है की बात समझ गए तो लड़कों की संख्या सिक्सटी परसेंट ठीक है ना चलिए फोर्टी एट होगा बच्चे आंसर कर रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को आगे बढ़े भाई तो सारे के सारे यही लेवल के सवाल आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो अभी हम आपको जीडी की प्रैक्टिस करा रहे हैं मैथ रीजनिंग दोनों बैक टू बैक चलेगा आप समझिए कोई दिक्कत हो तो बताइए देखिए ये सवाल आपका डीपी हेड कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में भी पूछा गया है दिया गया कि एक क्लासरूम में 160 स्टूडेंट हैं और जिसमें 70 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत बताइए क्या बताऊं 70 लड़कियां हैं आउट ऑफ 160 हंड्रेड में खत्म इसमें क्या करना है जीरो चार से चार बार में और चार से पच्चीस बार में अब इसको भाग दो तो 6.25 तो ये हो जाएगा बयालीस और ये हो जाएगा एक दशमलव सात पांच तो तिरालीस दशमलव सात पांच फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव कैलकुलेशन आपको हवा में करना है बिल्कुल फास्ट करना है खुद को पता नहीं चलना चाहिए इतना फास्ट होना चाहिए आपको सबसे आगे रहना है और ये संदेश आपको सबसे आगे रहने में हंड्रेड परसेंट आपके साथ खड़ी है खड़ी थी खड़ी रहेगी ठीक है तो अभी आप डेली हम लोगों से जुड़ सकते हैं सात से नौ मैथ्स क्वेश्चन नंबर दस दस को दोबारा देखें चलिए दस को दोबारा देख लेते हैं बच्चा कमेंट किया है एक क्लास में यदि विद्यार्थियों में से सिक्सटी परसेंट लड़के तथा तो लड़कियों की संख्या छत्तीस है अगर सिक्सटी परसेंट ओह सॉरी सॉरी सिक्सटी परसेंट लड़के और छत्तीस लड़कियां हैं अच्छा सिक्सटी परसेंट गर्ल्स हैं तो क्या हो जाएगा ये फोर्टी परसेंट हाँ कमेंट कर दिया नहीं हो पाएगा बच्चों कमेंट कर दीजिए बच्चों को मेरे बच्चों थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया है इसलिए क्लास आपके यहीं पे हमें यहीं स्टॉप करनी पड़ रही है तो आज के लिए सॉरी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गया है क्योंकि ये माइक अभी ये जो है इसमें अभी सेल लगाया गया बट ये चल नहीं पा रहा है तो आज के लिए सॉरी ठीक है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बच्चों से माइक का बैटरी खराब हो गया ठीक है चलिए लिख दीजिए कि कोई थोड़ी प्रॉब्लम आ गई कोई बात नहीं बच्चे हैं समझ जाएंगे ठीक है बाय बाय नाइस टू मेट यू